ये जनाब फेज 7 है, उसका अकबर आर्चर्ड है, ये इलाका देखें जनाब। और ये है जनाब, इस वक्त हम ये पाकिस्तान में हैं और यहाँ पर इस वक्त हम आ गए जी यूरोप में, एक ही सिर्फ 1 फुट के फासले पे। माशाल्लाह जी देखें, ये रोडों की देखें और ग्रीनरी देखें, यहाँ की आबादी देखें। तो पाकिस्तान और बॉर्डर की बस बॉर्डर साथ ही हैं है ना यूरोप के, तो ये माशाल्लाह जी ये डिफरेंस देख लें। और क्योंकि इसका एक ही जिम्मेदार है, वो आप सबको पता है कि वो कौन है। तो वैसे अगर किसी के पास एक चुल्लू भर पानी हो तो वो जो गौरी का मालिक है उसको बताए कि यहाँ चुल्लू भर पानी मिलता है। ये देख लो यार, ये एक ही जगह एक ही मुल्क है और अपना पेट भरे जा रहा है, बाकी सबको तबाह तबाह बर्बाद कर दिए। अब जनाब फाइनल नक्शा भी वो देने से इनकार ही हो गए हैं। और ये देखें जी गुलबर्ग, और ये साथ में ही उसका फेस 7 का इलाका, और ये जो रोड टच हो गई है। चलो ये भी एक अच्छी खबर है गौरी के लिए कि ये गुलबर्ग की जो रोड है वहाँ से टच हो गई, अभी ये डायरेक्ट जाएगी फौरन चौक। और आज भी इस पे कुछ मसला था, रोड पे लोग निकले हुए थे, पुलिस वगैरह भी आई थी कि ये रोड तंग कर रहे हैं, इनको थोड़ा से जगह ज़्यादा देनी चाहिए। और ये फौरा चौक की तरफ रोड जा रहे हैं, और अच्छी बात है गोरी के लिए भी गुलबर्ग के लिए भी कि एक रास्ता शॉर्ट हो जाएगा। अगर ये रोड थोड़ा सा अच्छा कर दे बना ले तो फिर तो बहुत ही आसानी हो जाएगी, लेकिन ये थोड़ा सा ही फासला है, कोई 400-500 मीटर कच्चा है, बाकी रोड गोरी का भी ठीक है बना हुआ है। अब बस सारी उम्मीदें CDA से वापस हैं, अगर CDA लेगलाइज जल्दी कर ले तो इंशाल्लाह फिर हमारी उम्मीद बन जाएगी, क्योंकि CDA फिर कुछ ना कुछ करेगा। अगर वो यहाँ से पैसा उठाते हैं तो कुछ ना कुछ रोड पर वो करेगा। ये है जी फौरा चौक, और ये शॉर्ट हो गया रास्ता गुलबर्ग तक।